हेलो सर, बात करते हैं बंधन बैंक लिमिटेड की। 314 रुपए का स्टॉक हो चुका है हमारे सामने, 1% के आसपास ही गिरावट यहां पर देखी गई है। आज की बात करें तो 318 रुपए, 319 रुपए का हाई लगाया है स्टॉक ने और 311 रुपए का लो लगा करके 314 रुपए की क्लोजिंग यहां पर आई। ऑलमोस्ट 1% की गिरावट है यहां पर। बात करेंगे गिरावट के पीछे का कारण क्या रहा है और क्या यहां पर खरीदारी करके चलना चाहिए स्टॉक को या बेच देना चाहिए एज सून एज द लॉस रिकवर्स। क्या करना है, क्या नहीं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, सब कुछ बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात बंधन बैंक की करें तो एक अच्छा स्टॉक है हमारे सामने और लगातार स्टॉक ने रिकवरी दिखाई है। 290 तक का लो लगाया था स्टॉक ने गिरावट के बाजार में। अब जैसे ही लॉकडाउन खुलने की उम्मीदें हमारे सामने आ रही है, स्टॉक भी अपने रिकवरी में आ चुका है। बात करें यहाँ पर कुछ लेवल्स की तो डाउन साइड पर 305 का आपको सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर और वो बरकरार रहेगा मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी। 324 रुपए का आपके सामने पहला रेजिस्टेंस जोन है और ये रेजिस्टेंस आने वाले दिनों में ब्रेक होता हुआ देखने को मिलेगा। डिमांड काफी है स्टॉक में, ऐसा नहीं कि डिमांड नहीं है, वॉल्यूम काफी अच्छा आ रहा है। हालांकि बाजार का मूड भी आज अच्छा नहीं रहा था, उसका भी एक प्रेशर था बंधन बैंक के ऊपर। और दूसरी चीज आरबीआई का एमपीसी मीटिंग भी आज के दिन में, तो रेपो रेट वगैरह अनचेंज रखा गया हालांकि 4% के आसपास, बट उसका कुछ खास असर जरूर नहीं दिखा। बट मार्केट का प्रेशर रहा है, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही गिरावट यहाँ पर है। दोनों लेवल्स हमारे सामने हैं यहाँ पर। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई 56 का है हमारे सामने, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग आरएसआई स्पेस है काफी ग्रोथ के लिए। यहाँ पर मैग्डी की बात करें तो मैग्डी अच्छे स्पेस में स्ट्रॉन्गली बुलिश जोन में है। हिस्टोग्राफ हमारे ऊपर साइड बन रहे हैं, स्पेस है यहाँ पर। मुझे लगता है कि स्टॉक काफी ऊपर तक जाने की क्षमता रखता है, पोटेंशियल है कंपनी में, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्टेट ओन्ड कंपनी है, स्टेट ओन्ड बैंक है और एफआईआई एफपीआई एक लार्ज चंक ऑफ शेयर होल्डिंग ओन करते हैं। और लगातार मार्च में भी आप देखेंगे तो बंधन बैंक में एफआईआई एफपीआई ने शेयर होल्डिंग को बढ़ाया था। यही एक कारण था कि बंधन बैंक लगातार खबरों में बना रहा है, खबरों का स्टॉक रहा है। खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, स्टॉक का चार्ट पैटर्न काफी अच्छा है। खरीदारी का चार्ट है श्योरली यहाँ पर 5% ऑफ योर टोटल कैपिटल, मैक्स टू मैक्स 10% ऑफ योर टोटल कैपिटल इसमें निवेश किया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। रिस्की स्टॉक है पर रिटर्न दे सकता है आपको यहाँ पर, ठीक है, बंधन बैंक में रिटर्न आपको मिल सकता है। अगर आपने ऑलरेडी बाइंग कर रखे तो एवरेज करने की कोशिश मत करना यहाँ पर, 10% बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर मत लगाना। बाकी अच्छा स्टॉक है, खरीदारी किया जा सकता है, बाय करके चलिए, रखिए स्टॉक को, लंबे समय के लिए खरीदारी करना, शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करो स्टॉक को। ये क्वार्टर का रिजल्ट आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करके मत चलो क्योंकि लॉकडाउन में था और बंधन बैंक स्टेट ओन्ड है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये क्वार्टर भी हमारा जाएगा। लंबे समय के लिए खरीदारी करने की सलाह मेरी इसीलिए है आपको, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए अवॉइड करो स्टॉक को। बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कमेंट बिलो, अगर कुछ पूछना